ग्राउंड के पास कचरे में आग लगाने के कारण उठते जहरीले धुएं से लोग हो रहे हैं बीमार। पिपरिया नगर का मुक्ति धाम कहें या शांति धाम, जहां मृत नागरिकों के शरीर को मिट्टी या अग्नि द्वारा शरीर को मिट्टी में समाहित कर दिया जाता है, इस जगह आकर और जाकर हर व्यक्ति को एहसास होता है कि मुझे भी एक दिन यही आना है। यहां आकर आत्मशांति का अनुभव करते हैं, लेकिन पिपरिया के सांडिया रोड स्थित मुक्ति धाम शांतिवन आने वाले नागरिकों को एक बहुत ही बुरा महसूस होता है। मुक्ति धाम जाने हेतु मार्ग पर अंतिम यात्राओं के समय यहां से लोगों को गुजरने पर आसपास कचरे के ढेर देखने को मिलते, जिनसे आ रही बदबू कई बार असहनीय हो जाती। कचरा प्रबंधन के लिए नगर पालिका द्वारा कुछ अच्छे कदम नहीं उठाए गए और कारण यही है कि यहां रहने वाले और जाने वाले नागरिकों को बहुत असुविधा हो रही है। यहाँ पर पूरी जगह पूरे शहर का कचरा फैल रहा, इस कचरे में कई बार आग लगा दी जाती, जिसके कारण इससे उठते हुए जहरीले धुएं से आसपास रहने वाले लोगों को बहुत तकलीफ का सामना होता। इसी जगह गौवंश अपनी पेट की आग बुझाने के लिए खराब पदार्थ और पॉलिथिन खाते हुए दिखाई दे जाते, जिससे इनकी मृत्यु तक होती है। कहते हैं इससे रोज निकलने वाले कचरे में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसका निष्पादन के लिए कचरा प्रबंधन प्लांट यहाँ लगाया जाए, ताकि कचरा डंप करने की पुरानी व्यवस्था बंद होकर उससे निपटान हो सके। नगर पालिका परिषद का कार्यकाल अपने अंतिम दौर में चल रहा है। नागरिकों की इस न्याय उचित मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ को इस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाने चाहिए, जिससे आगामी समय में नगर साफ, स्वच्छ और निर्मल रह सके। खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।